हे हेनरी, क्या तुम खेलने आ रहे हो? नहीं, पढ़ रहा हूँ। ठीक है हेनरी। पढ़ाई करने के अलग तरीके भी होते हैं हेनरी। ओ ब्रायन, आइडिया, पट्टे, स्कॉलर ब्रायन। तो ब्रायन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पर्पल हैंड गैंग के डेप्यूटी लीडर बनना चाहोगी? उससे दूर रहो पिद्दू, उससे मैं निपटूंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैंने उसे सबसे पहले पूछा था, वो मेरी मदद करेगा, तो उसे बनाने की जरा भी कोशिश मत करना, समझे? क्या ये सच है ब्रायन? हाँ, उसने मुझे अपना पुराना सेल फोन दे दिया। हेनरी, तुम ये वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हो। हाय, कैसे हो? ओ, ये सब क्या है हेनरी? कंपटीशन। पर मुझे लगा ब्रायन मार्गरेट के साथ है, इसलिए तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हो। नहीं, वो नहीं ले रही। अच्छा, ये बात है, तो चलो जाकर पायरेट्स खेलते हैं। तुम हिस्सा ले रहे हो। मैं पर मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, पर मुझे सब पता है, और जो भी नहीं आता वो हमें यहाँ मिल जाएगा। हो, समझा। शायद अब आप अपने फोन तैयार रखिए। फोन 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 कहाँ है? वक्त शुरू होता है अब। जल्दी राल्फ, अपना फोन दो। कॉन्फिस्केट हो गया, भूल गए क्या? ओ हाँ, हमें दूसरा फोन ढूंढना होगा। पाँच। मैं मदद करूँ? फ्रिज में जाकर देखो। फ्रिज में? मत पूछो, बस जाके देखो। चार, तीन। हेलो राल्फ। हेलो, मुझे पालक बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। एक, जल्दी नंबर डायल कीजिए। हेलो लकी कॉलर, आपका नाम क्या है? बोलो, बात करो। बोलो, शर्मा मत मेरे दोस्त, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है स्कॉलर सूरज मैम। वेल हेलो स्कॉलर सूरज, शो पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और दूसरे कॉलर का भी स्वागत है। अपना नाम बताएं दूसरे कॉलर। मेरा नाम है मार्गरेट मिलिसेंट मोडिटा स्माइट। वेलकम मार्गरेट मिलिसेंट मोडिटा स्माइट, आप और स्कॉलर सूरज दोनों अब रेडी हो जाएं। यहाँ तो दो कॉलर्स हैं। तो तुमने मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत चीजें नहीं बताई है, अब वहाँ ध्यान दो। तो कॉलर्स, ये रहा आपका पहला सवाल। और मैं आपको बता दूँ, स्कॉलर सूरज और मार्गरेट मोडिटा। ओह, ये कितना मजेदार है। मार्गरेट मिलिसेंट मोडिटा स्माइट। हाँ, दोनों बराबरी पर हैं। तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे स्कॉलर सूरज? कूल। मतलब कूल। जरा एक मिनट रुको, ये आवाज तो। अब वक्त है टाई ब्रेकर का। हेनरी, तुम चले जाओ करेले। तुम चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं, बस हम दोस्तों से थोड़ी मदद ले रहे हैं। क्या तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ सारे जवाब मिलेंगे .com पर है? ये तो सरासर चीटिंग है हेनरी। हेलो कॉलर्स, टाई ब्रेकर के लिए रेडी है? नहीं है। क्या तुम रेडी नहीं हो स्कॉलर सूरज? नहीं, मेरा मतलब नहीं, मैं टाई ब्रेकर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैडम। गुड, तो अब सवाल ध्यान से सुनिए। नहीं। और सवाल है कि हेनरी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब कोई फायदा नहीं है राल। बताइए लेटर्स। मुझे जवाब कहाँ से मिलेगा? S C। मैं कुछ नहीं जानता। A C S का फुल फॉर्म क्या है? Hey, मुझे ये पता है, मुझे इसका जवाब पता है। और इसका जवाब कौन देगा? हम देंगे। मेरा मतलब है मैं दूंगी। हम देंगे। हम देंगे मतलब मैं। ठीक है, आप दोनों टाई ब्रेकर के उसूल जानते ही हैं। तीन गिनने पर पहले सही जवाब देने वाला जीतेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। एक, तो बताओ मुझे सही जवाब क्या है? ये है बोगसम, नहीं ये बी से शुरू होता है। दो, कम ऑन हेनरी। इट्स सो इजी बी।
चिकन है शायद। अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है और आज ही ने चिकन बनाना था। प्रॉब्लम क्या है बॉयज? चिकन चाहिए, चिकन चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। बट हमारे आने तक तुम यही रहोगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, हमारे वापस आने तक। और याद रहे, किसी को भी इस पर चढ़ने की इजाज़त नहीं है, समझे? और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम ऊपर नहीं जा सकते? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लंच टाइम हो गया ना बर्ट, तुम जाकर लंच करके आओ ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जल्दी करो, कितना स्लो खाते हो तुम लोग। हे बर्ट, चिकन मस्त है। एक मिनट रुको, अगर बर्ट लंच करने चला गया है तो फिर क्लाइंबिंग फ्रेम की रखवाली कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ था। ना, 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 ना। इस बार नहीं बचेगी तू। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पर्पल हैंड गैंग के सरदार, ये देखिए, क्लाइंबिंग फ्रेम यहाँ है और लड़कियाँ ऊपर से पहरा दे रही है यहाँ यहाँ और यहाँ। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करते हैं। जहाँ छा है वहाँ राह है। अरे वो पाइप मुझे वापस कर दो बदमाश कहीं के। भाई ये हुई ना बात। बदबूदार आपकी बॉम्ब, चूहे की पॉटी, कॉकरोच के पंख और छिपकली के अंडे से बना हुआ ये। अब तो ये लोग जरूर भागेंगे। वाह, मुझे तो ये आपटी बॉम्ब्स की बदबू बड़ी पसंद है। और तुम्हें इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में क्या कहना है हेनरी? हाँ हेनरी। देखो हमारा फ्रेम, हमें वापस कर दो अभी के अभी। पागल मार्गरेट कही थी। कितना मजा आ रहा है, हमें ये फ्रेम बड़ा पसंद है हेनरी, बस जैसे कि हमारे लिए ही बना हो। हमारे लिए। अब हार मान लो हेनरी। कभी नहीं। तो बस आकर देख लो हमारे गैंग के एक मेंबर के पास क्या ढांसू प्लान है दुश्मन को हराने का। चलो पर्पल गैंग के सरदार। ये क्या रेडियो, इससे क्या होगा? तुम डांस करोगे क्या? मैंने कुछ सेटिंग्स किए हैं। 1000 डेसिबल्स का वॉल्यूम, सबवूफर फुल रेंज और वॉल्यूम तो इतना होगा कि पूछो मत। ये कोई मामूली ऐसा वैसा रेडियो नहीं है दोस्तों। तो ये है एक सुपर हाई पावर 1000 डेसिबल वाला सोनिक सिस्टम। क्या फुसफुस कर रहे हो यार? सवाल मत पूछो हेनरी, कमाल देखो, देखते जाओ। ये हुई ना बात। क्या? ये हुई ना बात। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। So easy being me, I'm Hard Henry.
उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे ऐड करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने उसे अपने डिटेल्स दिए? बिल्कुल भी नहीं, फिर भी वो मुझे जरूर ऐड करने की कोशिश कर रहा होगा। कितना बुद्धू है वो। अब तुम्हारी खैर नहीं हेनरी। कितना कूल है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग डिवाइस है जिससे वो जो भी अपने फोन पर कर रहा है वो मेरे फोन पे दिखेगा। सिर्फ इस फोन को। मुझे अकेला छोड़ दो। बात कर रही हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए ना हेनरी। रुको, कहाँ जा रहे हो? उसे जाने मत देना सीज़न। यहाँ ये सब क्या चल रहा है मार्गरेट? ये सब हेनरी की गलती है मिस। जरूर उसकी ही गलती है। इस क्लासरूम की हालत ठीक करो अभी। डिटेंशन हेनरी। अब मैं देख पाऊंगी कि वो बुद्धू क्या कर रहा था। वो तो ग्रॉस क्लास जीरो के एपिसोड्स देख रहा था। वो ये बुद्धू तो ग्रॉस क्लास जीरो के एपिसोड्स देख रहा था। मैंने अभी अभी वही तो कहा था। इसका मतलब है वो तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर ऐड नहीं कर रहा था। हाँ, वो मुझे ऐड नहीं कर रहा था। और मैं तो क्या तुम जानना चाहती हो क्यों? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ। जाहिर है तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। थैंक यू मार्गरेट, वो मुझे दे दो। यस मिस। और मार्गरेट? हाँ मिस बैटलैक्स। डिटेंशन मार्गरेट। यस मिस बैटलैक्स। तुम दोनों फिर से नहीं। अब क्या कर दिया तुम दोनों ने? मैं बताती हूँ मिस। ये गलत है मिस। अंदर आ जाओ। तो लेडीज फर्स्ट, ये लो। यस, ये मुझे ऐड नहीं कर रहा मिस ऑडबॉल। क्या नहीं कर रहा मार्गरेट? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले रहा। कॉन्टैक्ट नंबर? उसके मोबाइल पर। ये मुझे ऐड नहीं कर रहा। समझ गई। शायद क्या कहना चाहते हो तुम हेनरी? पर मैं इसे अपने कॉन्टैक्ट्स में क्यों ऐड करना चाहूँगा? देखा आपने, ये अपने आप को क्या समझता है? तुम्हारी तरह बुद्धू तो जरूर नहीं हूँ, समझी? तुम बुद्धू किसे बुला रहे हो बेवकूफ लड़के? तुम अब जा सकते हो हेनरी। सुना नहीं तुमने? अब तुम जाओ, ये अब मेरे पास रहेगा। मार्गरेट तुम जरा यहीं पर रुको। मार्गरेट तुम क्यों चाहती हो कि हेनरी तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर ले? जाहिर सी बात है ना मिस ऑडबॉट। कैसी बात? ओह यस, मेरा मतलब है कि मैं स्कूल की सबसे इम्पोर्टेंट लड़की हूँ, इसका मतलब सबको मुझे ऐड करना चाहिए। थैंक यू मार्गरेट, अब तुम जा सकती हो। चाहो तो आप भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकती हो मिस ऑडबॉट। हेलो मिस ऑडबॉट बोल रही हूँ। तो हेनरी तुम्हारा मोबाइल फोन तो गया ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सबसे ज्यादा समझदार हो मार्गरेट? तुम्हें जो कहना है कह लो, तुमसे तो मैं समझदार हूँ बेवकूफ। अब तुम जैसे बुद्धू के पास दूसरा फोन तो नहीं होगा है ना? बोलो है क्या बुद्धू? मैंने सब सुन लिया समझी। तो क्या? तो तुम्हारे पास दूसरा फोन है या नहीं? हाँ है ना मेरे पास। हाँ जरूर होगा, कल अपना दूसरा फोन जरूर लेके आना बुद्ध लड़के, भूलना नहीं। वो दूसरे फोन के बारे में क्यों बात कर रही थी हेनरी? पता नहीं। मुझे मेरा फोन दोगे हेनरी? क्या मैं तुम्हें कल वापस दे दूँ? बस लास्ट लेवल बाकी है। कोई बात नहीं, मेरे पास घर पे दूसरा फोन है। कूल। It's so easy being me, I'm हमें अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहिए हेनरी। सही कहा, तो मैं रहा।
कहूँगा पागल हेनरी, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल। तुम दुनिया सुधारने चले हो हेनरी? हाँ, असल में जा रहे हैं। हाँ। चलते बनो यंग लेडी। डबू हाँ। क्या वो पागल हेनरी था? शायद नहीं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल था। मुझे भी यही लगा। अनप्रेडिक्टेबल, अचानक से बदलता है और कोई बिना कारण के, और इसकी वजह से ऐसा होने से पहले अनुमान नहीं लगा सकते। अनप्रेडिक्टेबल, अच्छा शब्द है ये तो। तो वीकेंड में क्या करने वाले हो हेनरी? रोज की तरह जल्दी नहीं उठना, ग्रोसरी जीरो पढ़ना, बैंक के साथ स्लाइम सीसो खेलना और अपने रूम को ठीक नहीं करना, है ना? हाँ, तुम्हें किसे पता चला? क्या पता, बहुत प्रेडिक्टेबल है। तुम्हें क्या लगता है एंड्री? शायद तुम सही हो राल्फ, मुझे थोड़ा और अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। इसके लिए शुभकामनाएं। मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। गुड नाइट छोटे लड्डू, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट हेनरी, सुबह मिलते हैं। आपका मतलब दोपहर में? हाँ, दोपहर को मिलते हैं हेनरी। ऐसा आप सोचते हैं? हाँ भाई हाँ। जरा बताना मैं जल्दी क्यों उठा? मैं अनप्रेडिक्टेबल बन रहा हूँ। तो चलिए ये करते हैं। हाँ भाई हाँ। मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग हेनरी। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग हेनरी। एक्चुअली मॉम, मैं पैनकेक्स खा सकता हूँ? वहाँ पर है, मैंने उन्हें पहले ही बना दिया था। आपको किससे पता चला? पीटर ने हमें बताया। पीटर? हाँ, पीटर ने कहा तुम जल्दी उठोगे और तुम ब्रेकफास्ट में स्वीट ट्रीट तो खाना नहीं चाहोगे। नहीं, ये भी कहा मुझे पैनकेक्स खाने हैं। हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। उसने कहा तुम ये भी कहोगे। वैसे कैसा रहेगा अगर मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं करूँ और बाहर चला गया तो? उसने ये भी कहा था क्या? थप्पड़ लगेगा हेनरी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इतना भी प्रेडिक्टेबल नहीं हूँ। हूँ क्या? अपनी चाल चलने का वक्त आ गया है मास्टरमाइंड मार्गरेट। मुझे ये पल पसंद है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। पसंद है ना? तो क्या मैं इतना प्रेडिक्टेबल हूँ? क्या आपको हमेशा पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, तो आपको कैसे पता चला और उस कीड़े को कैसे पता चला? शायद वो तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता है। मार्गरेट, ये तुम हो क्या? शायद मैं हूँ, शायद नहीं। सडेली खूसट कहीं के। ये प्रेडिक्टेबल था। हाँ, तुम्हारे जैसा नहीं, मेरे जैसे नहीं। ओ, बस भी करो हेनरी, हर सुबह तुम लेट उठते हो, वही टॉप पहनते हो और वही ब्रेकफास्ट करते हो। आज नहीं सरेली, आज मैं जल्दी उठा और अपने पजामास में ही रहा और मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। प्रेडिक्टेबल नहीं है? है। नहीं नहीं है। ये झगड़ा भी प्रेडिक्टेबल है। हमारी बात सुनो, है नहीं है? है, है, है। लगता है तो पीटर के लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा ये सोचना कि तुम क्या करोगे। तो तुझे नहीं लगता वो माइंड रीडर है? कैसे पता? हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। तुम्हें ये करना होगा। वो क्या चाहिए तुम्हें? मेरी 2 मिनट में बेस्ट बॉयज की मीटिंग है, मतलब 1 मिनट और 30 सेकंड्स। तुम्हें क्या चाहिए पीटर? तुम्हें सच में क्या चाहिए? चुप रहने का टाइम हो गया है हेनरी, और तुम ये जानते हो। नहीं नहीं जानता। और चुप रहने का टाइम क्या होता है?
चुप रहने का टाइम तब होता है जब हम लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, समझे? हम दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? क्या मैं शांति से टीवी नहीं देख सकता? क्रॉस क्लास जीरो में शांति कहा है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं कुछ और देख सकता हूँ, कुछ एजुकेशनल, जैसे गुड फॉर योर ग्रीन्स? वैसे मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए टीवी देखना इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, 247 नंबर चैनल लगा लो। थैंक्स कीड़े। जब हम धनिया के बारे में सोचते हैं तो केवल धनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, हम मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ते के बारे में भी सोचते हैं। वाह, क्या शो है। अगली बार से ऐसा नहीं करने दूंगा हेनरी। ठीक है, मैं कम आवाज में सुनूंगा। हेनरी, तुम्हारा पैर मेरी तरफ है। तेरा मतलब क्या है तेरी तरफ? तुम इस सोफे पर मेरी साइड पर आ गए हो। नहीं आया, मैं अभी अपनी साइड में हूँ। और अगर तुमने बटर और हनी का सही कॉम्बिनेशन यूज किया तो खाने में मजा आने से। क्या हुआ राजा बेटा? राजा बेटा, हेनरी सोफे पर मेरी तरफ आ जाता है। हेनरी, सॉरी मॉम, मैं सोच रहा था मटर और हनी को मिक्स करके क्या बनता है। क्या कहा? मॉम, सॉरी पीटर, इस कपड़े को बीच में रखकर सोफा आधा आधा बांट देते हैं, ठीक है? और अब तुम दोनों को अपनी अपनी साइंस पता है। ओह, थैंक्स मॉम। तो मेरी सलाह ये है कि इतना मत खाना जिसे मुश्किल हो जाए पचाना। हेनरी। ओह हाँ, थैंक्स मॉम। फ्लफी। हेनरी, ये तेरी बिल्ली है। ये मेरी बिल्ली नहीं है। है। नहीं है। है। हेनरी, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। हेनरी, बस मजाक कर रहा था। हेनरी, कर दी कीड़े। कौन सी लाइन? और मुझे कीड़ा मत बुलाओ। यहाँ है लाइन और तूने उसे क्रॉस कर दी। ये लो, अब ठीक है? हाँ, आगे से लाइन क्रॉस मत करना। ओह, ठीक है हेनरी, तो तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? गुड मॉर्निंग आगने का टाइम हो गया है, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेनरी। गुड मॉर्निंग कीड़े। इतनी भी जल्दी नहीं हेनरी, तुम बाथरूम में मेरी साइड पर खड़े हो। तो फिर मैं टॉयलेट कैसे जाऊंगा? ओह, फिर तो तुम नहीं जा पाओगे। तेरा मतलब क्या है नहीं जा पाऊंगा? वो क्या है ना, ये मेरी तरफ है तो तुम नहीं जा पाओगे। पर मेरा टूथब्रश तेरी साइड पर है। ओह हाँ, ये भी यहाँ है। पर क्या हेनरी? पर मैं अपना टूथब्रश कैसे लूंगा? तो एक काम करो, इसे 3 बार लिख कर दो। किसको दूँ? एसोसिएट जनरल को, जो मैं हूँ, फिर इसे ग्रैंड मास्टर जनरल को दूंगा, वो भी मैं हूँ, और वो तुम्हारी रिक्वेस्ट चेक करेंगे। और उसको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। 3 दिन? और अगर टॉयलेट जाना हुआ तो? मजाक कर रहे हो है ना? बच्चे ना ही देखे तो अच्छा है। Ha 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 ha
तुमने कोई आवाज सुनी क्या? हेनरी देखो, कोई हमारी जासूसी कर रहा है। ए, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये जूता तो पीटर का है। पर रेडी। तुम्हें कहा था? क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? जासूसी नहीं, इसे जरा बताओ हेनरी। ये क्या कह रहा है हेनरी? अब क्या बताओ, मेरे और इस रोतलो के बीच में एक डील हुआ है, कोई खास बात नहीं। क्या कोई खास बात नहीं? ये तो हमारी जासूसी कर रहा था हेनरी। नहीं, जासूसी नहीं, मैं एक इन्वेंटरी बना रहा था। एक इन्वेंटरी? वो क्या होता है भला? एक इन्वेंटरी, एक लिस्ट सारी चीजों की। कौन सी चीजें? ये आखिर क्या कह रहा है हेनरी? वो तो एक चीफ सेक्रेटरी का काम है। लगता है अब पर्पल हैंड गैंग खतरे में है राल्फ। सच में? हाँ सच में, और सिर्फ मैं ही इसे बचा सकता हूँ। तुम? बद नसीबी से, इसलिए मुझे इसे चीफ सेक्रेटरी बनाना पड़ा, जब तक ये अपना काम ठीक से कर रहा है। जरूर लॉर्ड हाई मैजेस्टी, जरूर। मैंने तुम्हें स्पेशल सोफे पर बैठने से मना किया था ना चमचे। उप्स, सॉरी लॉर्ड हाई मैजेस्टी, मैं माफी चाहता हूँ। डरो मत राल्फ, मैं हूँ ना, दरअसल इसके लिए मैं परफेक्ट हूँ। जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, ऐसा मार्गरेट का शक है और मार्गरेट का शक हमेशा सही होता है। सुजैन! हेनरी! म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे आपसे बात करनी है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। अब हम सबको एक पासवर्ड देंगे। क्या ये अभी करना जरूरी है चमचे? वेल, जितनी जल्दी हम सब कुछ लिख लेंगे उतनी जल्दी हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ 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 ठीक है, जानता हूँ, उतनी जल्दी हम पर्पल हैंड गैंग को किसी बेकार बुद्धू के हाथों से बचा पाएंगे। दरअसल मेरे शब्द थोड़े अलग होते, पर तुमने सही कहा। ठीक है तो बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आके बैठ जाइए और मैंने दिया हुआ फॉर्म भर दीजिए। ये लो चमचे, आपका स्नॉट बैग लॉर्ड हाई मैजेस्टी। कूल, थैंक्स चमचे। लॉर्ड हाई मैजेस्टी। हाँ बोलो चमचे। क्या आप मुझे चमचा बुलाना बंद करेंगे? नहीं चमचे। ठीक है लॉर्ड हाई मैजेस्टी, बस पूछ रहा था। यहाँ लो हेनरी, अब मेरी बारी है। नॉक नॉक। आ गया तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी हेनरी। ये तो पीटर है। हाँ वही तो है। ये सब क्या हो रहा है हेनरी? अब क्या बात है चमचे? चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी पे हाजिर है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। तुम क्या बोलना चाहते हो? पर्पल हैंड गैंग की मीटिंग चल रही है ना सर? हाँ, पर उससे तुम्हारा क्या मतलब? अब से हमें हमारे सारे मीटिंग्स के मिनट्स नोट करने होंगे सर, उससे हम सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है तुम अंदर आ जाओ। पीटर, पर्पल हैंड गैंग के मीटिंग में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुजैन, आओ, बेवकूफ अब तक नहीं आई। किसी ने सच ही कहा है, खुद का काम खुद ही करना चाहिए। ये तो आसान था। मार्गरेट।
तो हम कल से शुरू करेंगे। ओहो, अब मुझे ये बताओ, क्या किसी ने मेरी टाई देखी है? हम आज फिर लेट होने वाले हैं। जल्दी करो हेनरी, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। पर मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मामा। सात बज गए हेनरी। चार मिनट में कपड़े बदलकर नाश्ते के लिए पहुंच जाओ। ये रहे तुम दोनों के टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स? हाँ, हर चीज के लिए एक टाइम लिमिट होगा। नाश्ते के लिए 5 मिनट, टेबल साफ करने के लिए 2 मिनट, सुसु करने के लिए आधा मिनट, और आगे पढ़ लो। पर बाकी जरूरी चीजों का क्या होगा, जैसे टीवी देखने के लिए टाइम? सब लिखा हुआ है। टीवी के लिए डिनर के बाद 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ पीटर, पर छोटे बड़े शो तो आधे घंटे का होता है। और मेरे सारे फेवरेट प्रोग्राम्स का क्या होगा? हा? नाश्ते का 1 मिनट तुमने बहस में ही गवा दिया है। अब जल्दी करो, निकलना है। हो गया। बहुत बढ़िया, 2 मिनट में। क्या मैं बचे हुए 4 मिनट में टीवी देख सकता हूँ प्लीज? 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं हेनरी। तो 3 बचे हैं, 4 नहीं और टीवी नहीं। तुम 3 मिनट का इस्तेमाल ब्रश करने में कर सकते हो। और अब टेबल साफ करो, 1.5 मिनट बचा है। पर मेरी जल्दी करो, हमें 10 सेकंड में निकलना होगा। हेनरी, 10, 9, 8 टाइम पर आ गए। देखा, तुम लोग तो सेट हो। टहलना बंद करो हेनरी। मैं नहीं टहल रहा। आओ। जल्दी जल्दी चलो बॉयज, 4.5 मिनट बचे हैं, जल्दी करो, टाइम पर पहुंचना है। ओके। मजा आ गया, काफी तेज चले और वो भी 8 मिनट पहले। हुरे! शाम को मिलते हैं बच्चों, आज का दिन अच्छा होगा। हट जा कीड़े, अब मैं टीवी देखूंगा। पापा, मैं देख रहा था ना, मतलब देखने वाला था। टीवी टाइम खत्म हुआ, टाइम टेबल देखो अपना, सोने का वक्त हो गया। पर अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं। सुबह जल्दी उठना है ना बेटा। ओह, फिर तो जल्दी ही सोना पड़ेगा। चुप कर। देखा, मैंने कहा था ना, रोज के ड्रामे से छुटकारा मिल गया। ना स्कूल के लिए लेट हुआ, ना झगड़े, ना बहस। कुछ ही हफ्तों में इसकी आदत पड़ जाएगी। कुछ ही हफ्तों में? हाँ, तो आज तो बस शुरुआत थी, अब अगर बातें बंद करें तो हम पूरे 5 मिनट बचा सकते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ। पढ़ने का टाइम सिर्फ 7:30 मिनट था, टाइम टेबल पढ़ लो। हेनरी, सोने का टाइम हो गया है। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कल हमें जल्दी उठना है ना? क्या तुमने टाइम टेबल नहीं पढ़ा? टाइम टेबल स्कूल से भी बकवास है। कम से कम टाइम पे तो पहुँचे। हम तो झाड़ू वाले से भी पहले पहुँच गए। सुनो पीटर, तुम्हें ये 5 मिनट टीवी देखने वाला चक्कर पसंद है क्या? नहीं, मेरा फेवरेट प्रोग्राम मिस हो गया और मुझे मिस लवली के लिए ड्राइंग भी बनाने का टाइम नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस उठो, ब्रश करो, खाओ, पॉटी करो और सो जाओ। पर हम क्या कर सकते हैं? ये सेहत के लिए अच्छा है ना? मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेनरी, गुड मॉर्निंग। कितने बजे हैं? अभी तो सुबह के सिर्फ 5 ही बजे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा? हाँ, पर पापा, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे ठीक से करें तो और टाइम बचा सकते हैं। अच्छा, ये रहे आपके नए टाइम टेबल। 5:05 सुबह सुबह जॉगिंग। पर अभी 5:05 हो गए। Hmm,
यम्मी वेजिटेबल सूप। चलो हेनरी अपनी सब्जियां खाओ। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप बड़े लोग जो चाहे खा सकते हैं और हमें खाना पड़ता है ये सब। पर मुझे तो ये पसंद है। तुमसे किसी ने पूछा? ले लो। एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सब्जी और डांट दोनों खाओ। हेलो और स्वागत है साइंस प्रोग्राम में। आज मैं आपको दिखाऊंगा साइंस के चमत्कार। ओ प्लीज प्लीज, क्या हम चैनल बदल सकते हैं? मैं चला सपनों की दुनिया में खोने के लिए। चलो हेनरी, तुम्हें भी अब सोना चाहिए। अरे क्या है ये, मैं इस लल्लू जैसे इतनी जल्दी सोने नहीं जा सकता। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ, और कौन? पर उससे क्या फर्क पड़ता है ना, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। मम्मी पापा को पता नहीं कि कंप्यूटर पे भी मैं अपना प्रोग्राम देख सकता हूँ। उसे ये समझ आ गया कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अपनी जगह ना बदल ले उन लोगों से जो। उठो, जल्दी उठो हेनरी। लेकिन हुआ क्या? मुझे मेरे ब्राउन शूज नहीं मिल रहे हैं, और मेरा फेवरेट टूथब्रश और मेरा रिपोर्ट कार्ड भी। क्या? तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ही तो पता होगा कि वो कहाँ है, और मैंने किचन के फ्लोर पर बिस्किट्स भी गिरा दिए हैं। तो जाकर साफ क्यों नहीं करते? मैं क्यों करूं? तुम बड़े हो, तुम करो। मैं बड़ा हूँ? अब मैं क्या करूं? जाकर मेरा नाश्ता लाओ, अभी इसी वक्त। ओ ठीक है। धीरे खाओ, सब कुछ गंदा कर रहे हो आप। क्या मुझे आज ऑफिस जाना होगा? हाँ, आज भी ऑफिस जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पैसे कैसे कमाओगे और मेरे लिए टॉयज कैसे लाओगे? चलो लल्लू आ गया, शायद वो बता सके ये हो क्या रहा है। गुड मॉर्निंग पापा। सुबह सुबह आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं पापा? पीटर। हाँ हेनरी। तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ गड़बड़ है? नहीं। ओ हाँ, मामा अभी तक उठी नहीं है और उन्हें ऑफिस के लिए निकलना है यही कुछ 3 मिनट में। क्या? मैं अभी उन्हें उठाता हूँ। इतना आसान नहीं है हेनरी। उठने का टाइम हो गया। मम्मी उठने का टाइम हो गया। लगता है इतनी आसानी से नहीं मानेगी ये। आओ। तो आखिर जूते मिल ही गए? हाँ, डस्टबिन में पड़े थे। पता था। जरा मेरी टाई बांध दोगे? मुझे भी तो स्कूल के लिए तैयार होना है। कम ऑन, टाइम थोड़ी लगेगा, और तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स हेनरी। मैंने नाश्ता नहीं बनाया। पता है, पर फिर भी थैंक्स। हो गया। ओह थैंक्स हेनरी। ओह अपना सामान उठाइए पापा, नहीं तो फिर गिर जाओगे आप। नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। ओह फिर तो मुझे ही करना होगा आपके लिए। ओए कहाँ चले जा रहे हो? स्कूल। और कहाँ? मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? ओ इन दोनों का तैयार होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता है। बाय। भाग कीड़े। थैंक्स, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। पक्का ना पापा? हाँ, वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि मेरा बॉस मुझे बहुत डांटता है, और कैंटीन में मेरा नंबर आखिर में आता है, और फिर काम भी इतना ज्यादा होता है ऑफिस में, दोपहर को सोने को भी नहीं मिलता। पता है कितने बुरे हैं ना सब, पर जाना तो पड़ेगा ही, शाम को मिलते हैं। मुझे भूख लगी है। मम्मी आप ऑफिस लेट नहीं जा सकती। मुझे क्या, मुझे तो भूख लगी है। ठीक है नाश्ता देता हूँ। हेनरी
मिस मैं तो बैठो हेनरी। मैंने कहा बैठो। मिस ऑडबॉर्ड। गुड मॉर्निंग मिस्टर सॉन्गिंगटन। क्यों क्या बात हो गई मिस्टर सॉन्गिंगटन? ये कैसा घिनौना मजाक है? नहीं नहीं, ये नहीं है वो जो आप समझ रही हो। तो क्या वो एक यो-यो नहीं है जिस पे बलगम लगा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं है सर? वही जो आपने कहा। ओह ठीक है, फिर मुझे जाना चाहिए। मेरे प्यारे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह मिस ऑडबॉर्ड, मैं उस चीज को फेंक दो मिस्टर सॉन्गिंगटन। जी मिस ऑडबॉर्ड, अभी फेंक देता हूँ मिस ऑडबॉर्ड। बैक अप यो-यो। कूल हेनरी। हाँ मिस बैटलैक्स। तुम पीठ पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मिस बैटलैक्स। सिडमथ ड्यूटी पे हाजिर है मिस बैटलैक्स। ये बदमाश बच्चा अपनी पीठ पीछे एक यो-यो छुपा रहा है। ओह हेनरी, तुम रूल्स जानते हो, क्लासरूम में यो-योस नहीं चलते हैं। तो चलो अब मुझे जल्दी से दे दो। पर सर। परवर कुछ नहीं हेनरी, यहाँ दो। इसकी सही जगह है कॉन्फिस्केशन कबर्ड में। हाँ, और इस बार हेनरी तुम्हें ये कॉन्फिस्केशन कबर्ड से नहीं मिलेगा, क्योंकि मिस ऑडबॉर्ड ने लॉक बदल कर उसकी चाबी छिपा दी है। तो इस बार कॉन्फिस्केशन कबर्ड से कुछ भी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझे बदमाश हेनरी। चलो जाओ, अब अपने शैतान दोस्तों के साथ जाकर खेलो। इतनी देर कहाँ रह गए थे? यो-यो फिर से कॉन्फिस्केट हो गया। बैटलैक्स और सिड सर ने। कोई बात नहीं, तुम तो कॉन्फिस्केशन कबर्ड के किंग हो, तुम वापस लेकर ही आओगे। हाँ शायद। उदास मत हो हेनरी, बहुत यो-योज मिलेंगे। पर वैसे नहीं है, वो बढ़िया थे हमारे बलगम भरे ट्रिक्स के लिए। कैसे हो तुम हेनरी? ठीक नहीं हूँ मैं। हाँ, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूँ? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। आज मुझे सबसे मजेदार होमवर्क मिला है, केमिस्ट्री का होमवर्क है। इसीलिए नहीं कि मिस लवली ने दिया है, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उप्स, सॉरी हेनरी। तुम्हें कौन सा पसंद आया हेनरी? दोनों के दोनों बदबूदार है। इसमें है मेरा लवली पोशन। अच्छा? हाँ, और तुम्हें पता है इसमें है प्योर लवली पोशन। मुझे तो ये फाट की बदबू का पोशन लग रहा है। ठीक है हेनरी, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अब तुम ये सूंघ के देखो। यू, कितना गंदा है। इसे कहते हैं गंदा। आइडिया बट्टे, ये लड़का तो जीनियस है। चले जाओ यहाँ से। डरावना है। रहने दो हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। क्या लोगे? तुम्हारा मतलब? मतलब थोड़ा और बनाने के लिए क्या लोगे? मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, सच में पीटर, कल तक मुझे ऐसे 3 और चाहिए। 3, एक लाइट सेंसिटिव होना चाहिए और दूसरा थोड़ी देर से फैलना चाहिए। क्या तुम ये कर पाओगे? It's so easy being me. I'm hard-headed.
टाइम है छोटे भाई की बैंड बजाने का प्यारे वेयरवुल्फ के साथ। हेनरी, पीटर, सोने जाओ। जा रहा हूँ मामा। एक्सक्यूज मी हेनरी, मुझे ब्रश करने जाना है। हेनरी, तुम एक बुक पढ़ रहे हो। इसे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। किस बारे में है ये? प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है। ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या पता है, ये असली वेयरवुल्व को पहचानना सिखाती है। तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल। ये देखो, यहाँ लिखा है अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद। देखते हैं। अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली। तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा, क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग? नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ, पर मेरे बाल? वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोस बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है, पर जरा मुश्किल है। क्या लिखा है? झींगा लाला जूस। झींगा लाला जूस? हाँ, झींगा लाला जूस, काली घाटी के झींगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है हा? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो। मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक लाता हूँ। असली झींगा लाला जूस। यम्मी। कितनी देर लगा दी हेनरी? पहले पैसे। हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। वो तो लगेगा ही, अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झींगा लाला जूस काम कर रहा है। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको। मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झींगा लाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत, चाहे जो हो जाए पूरी रात जागते रहना। ओह नो। पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा, क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे और अब
मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, पगले लड़के, जाओ यहाँ से। बड़ी देर तक डिटेंशन में थे, मुझे लगा था ब्रेक होने तक आ जाओगे। हाँ, क्योंकि आज मेरा लकी डे नहीं है। ये क्या है? ये हमारी लकी चीजें हैं, हमने इकट्ठा की हैं। अपने लिए एक चुन लो हेनरी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लकी चीजें नहीं ले सकता। चलो भी हेनरी, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ। खुश हो जाओ हेनरी, जैसे माँ हमेशा कहती है कि आदमी अपने कर्मों से लकी बनता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? ये तो स्ट्यू है। हर रोज यही तो खाते हैं हेनरी। हाँ, पर एक स्ट्यू होता है और एक मस्ट स्ट्यू होता है, और ये स्ट्यू है। ओए गधे लाल, अब क्या है सड़ीली मार्गरेट? ओ हीरो हीरा लाल, नपचिड़े कहीं के। मैंने सुना तुम्हारी लकी चीज खो गई। हाँ खो गई। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ अनलकी। तुम अनलकी हो, अनलकी अनलकी अनलकी। लड़कियाँ भी ना। हाँ। ऐसा क्यों? तुम आ रहे हो ना हेनरी? हाँ, पता नहीं और आज कितना अनलकी होऊंगा मैं। ऐसा क्यों? उसे साफ करो तुम पगले लड़के। और इसलिए पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर राजा से कहा, अगर तुमने मुझे टमाटर की लहर पार करने में मदद की तो मैं तुम्हारी मदद आलसी गोभी को उठाने में करूँगी। और क्यूकम्बर राजा ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? हेनरी, मुझे बाद में मिलना। जी मिस लवली। तो फिर पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर, अनलकी हेनरी। हाँ अनलकी हेनरी। तो फिर हम दुखदाई बीन्स का क्या करेंगे? बहुत खूब, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा प्यारी कहानियों में से एक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 300 प्यारे शब्दों में लिखकर बताओ कि उन्हें प्यारी दुखदाई बीन्स के साथ क्या करना चाहिए। दुखदाई का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों? पर मैं तो उन बीन्स को जरा भी पसंद न करूं। अच्छा दोस्तों, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक हेनरी। अनलकी हेनरी। हाँ अनलकी हेनरी। आज सुबह जो हुआ हेनरी? हाँ माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कॉफी गिरा दी मिस लवली। ओ उसकी चिंता मत करो हेनरी, मुझे एक प्यारा ड्राई क्लीनर वाला पता है जो कॉफी के दाग निकालने में माहिर है। ओ अच्छा, तो माफ कर दीजिए मैंने आपकी कहानी में डिस्टर्ब किया। ओ उस बात की चिंता मत करो हेनरी, मैंने देखा कि मार्केट तुम्हारे ऊपर चीजें फेंक रही थी और मैं बाद में उसे प्यारी सी डांट लगाऊंगी। ओ अच्छा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि तुमने अपनी लकी चीज खो दी। ओ हाँ, आपको कैसे पता चला? ओ हम टीचरों को सब कुछ पता चल जाता है। ओ ठीक है फिर, पीटर ने मुझे बताया, उसने कहा तुम बहुत अपसेट हो, कह रहा था तुम्हारा जीवन अब खत्म हो गया है। हाँ शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर दिया। अरे नहीं, एक लकी चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज होती है, और उसे खो देना प्यारी बात नहीं है। हाँ वो तो है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना प्यारी? हाँ बहुत लवली है मिस लवली। ये तुम्हारे लिए है हेनरी। मेरे लिए? हाँ ये तुम्हारी नई लकी चीज है। ओह हाँ सही कहा। थैंक यू मिस लवली, शायद से। खुशी हुई हेनरी, अब जाओ मेरे लिए 50 शब्दों में अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में लिखकर दिखाओ। थैंक यू मिस लवली। मार्गरेट मिलिसेंट मोडिटा स्माइथ। यस। मुझे आकर मिलो इसी वक्त। हाँ, ये तो होना ही था। ये तो बड़ा लकी था। बिल्कुल। ये भी बड़ा लकी था। शायद। हे बॉयज, मैं क्रिकेट कॉर्नर ढूंढ रही हूँ। ओह हाँ, वो लगभग वहाँ पर है, और घूमकर जाकर आगे जाना होगा, और एक बार फिर से घूमना होगा, फिर सीधे सीधे जाना। ओके हे बॉयज, बहुत खूब,
मैं लकी हूँ जो तुम मिले। हम ये कर सकते हैं। अब क्या? हेनरी नीचे आओ, अभी के अभी। हेनरी, इसी वक्त नीचे आओ हेनरी। ये यहाँ पर क्या है? धोने के कपड़े। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हेनरी? वॉशिंग मशीन में जाने का इंतजार। नहीं हेनरी, इंतजार नहीं, ये सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में जाएंगे अभी। पर अभी हेनरी। अब ये हेनरी कहाँ चला गया? मैं हूँ एविल गार्डियन। हाय राल्फ। हाय पीटर। क्या कर रहे हो? इन टॉयज के साथ खेल रहा हूँ। क्या वो इविल गार्डियन है? हाँ, और इस वक्त ये बोगी बारबरा को किडनैप करने वाला है। ये लो, ये बहुत बड़ा विलन है। हेलो, मेरा नाम है इविल गार्डियन और मैं बुरा विलन हूँ। लो, काम हो गया। रार, रार। मैं इतना बुरा हूँ कि नंबर नोम को खा जाऊंगा। ये पूरा मजाक था। एक्चुअली इतना बुरा भी नहीं था। चलो अब नंबर नूम्स के साथ खेलते हैं। हेनरी। हाँ बोलो मम्मी। यस मम्मी, क्या? आज तो मैं बाल बाल बच गया राल्फ। राल्फ? अजीब है। ओए, जरा देख के चलो चमचे। अच्छा क्या तुमने, एक मिनट रुको, क्या वो मेरा है? नहीं। हेनरी। क्या मम्मी? राल्फ की मम्मी का फोन है। ओ। वो ये पूछ रही हैं कि राल्फ घर कब तक आएगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उन्हें बाद में कॉल करेंगे। ठीक है। आखिर ये गया कहाँ? राज? और मुसीबत। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो बंदर? नहीं, पर मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या तुमने राल्फ को देखा है? रूड राल्फ? हाँ रूड राल्फ। क्यों, क्या वो गुम हो गया? हाँ घूम गया। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हेनरी का बेस्ट फ्रेंड तो गुम हो गया है ना हेनरी? ओ नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड गुम हो गया है। तो तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा भुलक्कड़? धीरे बात करो,
नहीं तो सबको पता चल जाएगा। सोचो हेनरी सोचो, तुम्हारे लिए मुश्किल है फिर भी। पता नहीं, मेरे रूम में होगा। ओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। चलो हेनरी, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। अपना ख्याल रखना। ये तो अच्छी बात है अंकल, तुम्हें छोड़ने आते हैं। हाँ हाँ, पर आज तो मैं स्कूल तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे भी नहीं आना था हेनरी, पर मम्मी ने कहा अगर तुम स्कूल गए ना तो मैं तुम्हें क्रिसमस के लिए ग्रॉस पिक योर बेस्ट फ्रेंड्स नोज गेम दूंगी। कूल, बड़ा मजा आएगा। एक मिनट रुको, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? हाँ, तुम ही तो हो बेस्ट फ्रेंड। तो इसका मतलब है? तो लड़को, तुम दोनों यही रुक जाओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तो स्कूल जा रहे हैं, और कहाँ? इस रास्ते से नहीं जा सकते। हैं? जाओ वहाँ से जाओ। पता है आज तुम्हें स्कूल आने के लिए बेताब था। सच्ची? क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने का मौका मिलता। ओ हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है विलियम। पर अब हम लोग बर्फ में नहीं खेल पाएंगे। किसने कहा? मैंने कहा, मेरा मतलब हमने कहा। और उसके लिए हमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। सही कपड़े मतलब? इसका मतलब बच्चों, तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। स्कूल रूल्स के मुताबिक बर्फ गिरी हो तो कोई भी स्टूडेंट नहीं खेल सकता। क्यों? आई बात समझ में? जब तक सारे स्टूडेंट सही कपड़े नहीं पहन लेते, समझ गए? पर मैंने तो पहनी है और इसने स्कार्फ पहना है। इसने टोपी पहनी है और हाँ उसने भी। बट तुम्हारी टोपी कहाँ है? ऐसा क्यों? हम सब ने सही कपड़े पहने हैं सर। बिल्कुल नहीं। हमने पहने हैं, देखिए टोपियाँ और स्कार्फ। मुझे नहीं दिख रहा। ये मेरी टोपी है, मेरी भद्दी टोपी जो मैंने अभी पहनी है। नहीं दिख रहा है। सुनो हेनरी, रूल्स रूल्स होते हैं और ये भी एक रूल है। पर वर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और हाँ गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो, तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला, असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। पर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो
अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली की क्लासरूम में जाएंगे। आज सारे क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया, बॉडी का? मुझे बहुत पसंद।